देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सेवी कॉन्वेंट के सभागार में भादो माह के शुक्ल पक्ष में जो हमारे नंदलाल का जन्मोत्सव होता है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सेवी कॉन्वेंट के सभागार में जन्माष्टमी का कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे नंदलाला राधा रानी के रूप में और कृष्ण सुदामा का रोल प्रदर्शित किए एवं सभी बच्चों को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया। आयोजक राम चक्रवाल, गुलाब प्रसाद, जितेंद्र कुमार, मनोज गुप्ता, सत्यम प्रजापति, शुभम प्रजापति, अनिता उपाध्याय, ज्योति प्रजापति, नंदिनी, नैनी सहानी इत्यादि उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम सोनू जावे। सीबी कॉन्वेंट स्कूल सिवाला में स्थित है। पाश्चात्य संगीत आज देख रहे हैं पूरे हर जगह बहुत भारी पड़ता जा रहा है। हम लोग शास्त्रीय जो अपनी कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। कम कपड़े पहनना, इंग्लिश गानों पे डांस करना, इंग्लिश चीज़ों को सीखना, सब कोई आज अपने बच्चों को नहीं चाहता कि कोई वेद मंत्र पढ़े, कोई ज्योतिष बने कोई चाहता है नहीं, कोई कर्मकांडी बने नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कॉस्टली से कॉस्टली स्कूल में भेज रहे हैं, जो आज मध्यम वर्ग स्कूल हैं इसके कारण दबे जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है। आज हमारे बच्चे को अगर पूछेगा राम लक्ष्मण के बारे में तो शायद ही जानते होंगे। आज मोदी जी तो सब लोग जानते हैं क्योंकि हर में से मोदी जी टीवी पे आते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, अपने देवी देवता और हमारा सारा चीज़ क्या है, हमारे हम कैसे पले, हमारे देवी देवता क्या थे, हमारे देवी देवताओं ने कितना कष्ट किया, कैसा रास होता है, लोग आज लव 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 चलता है, रास वो क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो पीछे पीछे की सांस्कृतिक हम लोग भूल गए थे, आज वो सभी स्कूलों में, ये सीबी कॉन्वेंट स्कूल जिसने आज सभी बच्चों के अंदर मैम लोगों की अनुपम कृपा से, उनके सहयोग से आज देखिए सारे बच्चों को स्वरूप बनाया गया भगवान का। कहा जाता है काशी में अगर भगवान स्वरूप बने आप तो वो उसमें भगवान का अंश आ जाता है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, कोई कृष्ण बना, कोई राधिका जी बनी, कोई कृष्ण बना, कोई सुदामा बना, ये स्वरूप लेके इन लोगों ने दर्शाया है कि भगवान क्या थे, क्या कष्ट था। सुदामा जी की कहानी आज भी कही कर जाती है कि एक चना दाना खाए तो आज उनको इतना बड़ा भोगदंड बनाए। हर कथा एक मैसेज देती है। सत्यनारायण भगवान की कथा है कि आपने प्रसाद छोड़ दिया तो आपको कितनी बजे सजा मिलती है। तो सभी कथाओं को एक स्वरूप में दर्शाना वो आज सीबी कॉन्वेंट कर रहा है। नमस्कार सर, मैं सीबी कॉन्वेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल सत्यम प्रजापति हूँ। किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए? ये जो है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया गया है, जो कि सावन माह में शुक्ल पक्ष में जो किया जाता है, पूरे बनारस के पूरे विश्व के लोग इसको मनाते हैं। तो जन्माष्टमी इसको सेलिब्रेट किया गया है विद्यालय में, जिसके लिए पूरे बच्चों को अच्छे से आयोजित आगे बढ़ाया गया है। और इसके उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए नंदलाला का, श्री कृष्ण का रोल प्ले करके आगे किया गया है। कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम में राधा रानी का रोल प्ले किया गया है, और उसके बाद जो छोटे मोटे बच्चे हैं हमारे सुदामा का रोल प्ले किए हैं, इसी प्रकार का कार्यक्रम। समस्त काशीवासियों को और अपने जितने भी विद्यार्थी उनको कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि ये प्रोग्राम हमने कराया है तो इसके माध्यम से हम ये संदेश देंगे सभी लोग को कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों को जानें और आगे इससे प्रेरित हों कि कैसे कैसे क्या क्या पूर्व में रह चुका है, भगवान कैसे कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में जाने। जो लोग अपरिचित हैं इस माध्यम से उन लोग इसको जाने और अपने रीति रिवाजों को समझें कि क्या है क्या नहीं।